और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दें कि एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येन जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश भेजा है कि उनका शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, लोगों के लिए काम करने का उनका जज्बा जेल के अंदर से भी कम नहीं होगा। और एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई पर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए कि अभी तक कोई भी सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई है, ये सिर्फ परेशान करने के लिए और राजनीतिक द्वेष के कारण किया जा रहा है। तो देखिए, लोगों के लिए चिंतित है अरविंद केजरीवाल, ये सुनीता केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि भले ही अरविंद केजरीवाल जो है वो अंदर है, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप विरोध प्रदर्शन की देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, ईडी की कार्रवाई को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन यहाँ पर विरोध होता थमता नजर नहीं आ रहा है। कल भी हमने सड़कों पर देखा कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया, वही आम आदमी पार्टी भी पूरे तरीके से ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही, उन्होंने भी मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे, देखिए धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर तमाम जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। और आप देख भी पा रहे, पैम्पलेट्स लेकर यही बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया और यही वजह है कि वो आज ईडी की गिरफ्त में। तो बीजेपी की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन लगातार जारी है, कल भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी और आज दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन हो रहा है। इधर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि आप इस्तीफा दीजिए, ये नैतिकता की लड़ाई है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी की तरफ से तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और देखिए बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हुए हैं भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल के ऊपर। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सुनवाई में क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी, ये भी इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन तो जारी है ही, लेकिन केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई भी हो रही है। तो आमने सामने है आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक दूसरे के आमने सामने कार्यकर्ता। आप देखिए दो तस्वीरों के जरिए, एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अतिशी यहां पर नजर आ रही है, सभी एकजुट हुए हैं और ये प्रदर्शन किया जा रहा है ईडी और बीजेपी के खिलाफ, ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से। और उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी जेल में मत आजम खान के दबाव में नहीं आएगी और ना ही आजम खान की पसंद के उम्मीदवार को टिकट देगी। खबर है कि रामपुर जिला यूनिट से भी समाजवादी पार्टी आलाकमान नाराज है। जरूरत पड़ने पर बाहर से नेताजी रामपुर में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। देखिए लगातार जो है ये कहा जा रहा था, क्योंकि आजम खान तो जेल में बंद हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से उनसे मुलाकात की गई थी रामपुर सीट को लेकर। अब आजम खान चाहते थे पूजा कि अखिलेश यादव जो है रामपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से शायद जो अखिलेश के पसंदीदा है वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो है घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित,
रामपुर एक ऐसी सीट जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अब यहाँ पर आजम खान की बात हम समझे, वो आगे आएगी अखिलेश यादव के द्वारा, या अखिलेश यादव जो मन में जिस नाम को लेकर चल रहे हैं वही आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपडेट करा दूं, इस वक्त अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दफ्तर के अंदर पहुंच गए हैं और जो हाई लेवल मीटिंग होने वाली थी वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस मीटिंग में बेहद नाराज हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और उन्होंने साफ साफ संकेत दिए हैं, साफ साफ मैसेज अपने सारे नेताओं को दिया है कि रामपुर में आजम खां की नहीं चलेगी, आजम खां के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जा रहा है, मौलाना एम नदवी को टिकट दिया जा रहा है और इस बाबत नरेश उत्तम पटेल को चार्टर्ड प्लेन से रामपुर भेजा गया है। नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर समाजवादी पार्टी के, वो पहुंच गए हैं और वो समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर गए हैं। तो जाहिर तौर पे असीम राजा जो कि आजम खां के पसंदीदा कैंडिडेट थे, उनके बेहद करीबी थे आजम खां के, उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया अब से थोड़ी देर पहले, लेकिन जो मौलाना नदवी है उन्हें समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाने जा रही है। तो दूसरी तरफ आजम खां का जो दूसरा पसंदीदा कैंडिडेट था रुचि वीरा, जो कि मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को कल देने का फैसला लिया गया है, रुचि वीरा को भी होल्ड पे कर दिया गया है टिकट और वहां से एक बार फिर जो एसटी हसन है सांसद उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारने का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया है। और मुरादाबाद देवेंद्र सीट पर तो आजम खान का दबाव काम नहीं आया, दबाव खत्म हो गया, लेकिन रामपुर की सीट पर क्या होने वाला है और इस पूरी नाराजगी की आखिर क्या वजह बताई जाती है, अंदर खाने से क्या जानकारी मिलती है इसे लेकर? देखिए, रामपुर सीट पर भी आजम खां का पसंदीदा जो कैंडिडेट है वो मौलाना नदवी नहीं है, मौलाना नदवी को नहीं चाहते थे आजम खां की वहां से उनको टिकट दिया जाए, बाकायदे असीम राजा जो कि पसंदीदा कैंडिडेट आजम खां के थे उन्हें वो चाहते थे कि उन्हें टिकट दिया जाए, इससे उससे पहले अखिलेश यादव को खुद आजम खां चाहते थे कि वो रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो है आजम खां के दबाव में नहीं आए हैं। मुरादाबाद और रामपुर दोनों लोकसभा सीटों पर चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव खुद सीतापुर जेल में गए थे आजम खान से बातचीत करने के लिए, उनकी उनकी राय ली, लेकिन उनके राय पर जिस तरीके से अमली जामा कल अखिलेश यादव ने पहनाने की कोशिश की उसको लेकर कुटबाजी जिस तरीके से मुरादाबाद में देखने को मिली, ऐसा लगा कि अगर एसटी हसन भी चुनावी मैदान में उतरते हैं, रुचि वीरा भी चुनावी मैदान में उतरेंगी तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो बटेगा और फिर उसका सीधा फायदा बीजेपी कैंडिडेट को जाएगा। तो दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल रामपुर पहुंचे हैं। देखिए, जानकारी मिल पा रही है कि मौलाना मोहिबुल्ला नदवी के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर वो पहुंचे हैं और जानकारी मिल पा रही है कि अभी भी यहां पर रामपुर सीट को लेकर जो है पेच फंसा हुआ है। अब 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा